प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन के विधायक श्री सतपाल सत्ती जी विशेष रूप से वंदे लंबे कि वो मंच पर आए और मंच पर आकर आए कार्यकर्ताओं का स्वागत करें और थोड़े सब के सहयोग के नाल चौथी बार ऊना विधानसभा क्षेत्र को विधायक बने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी मंच से विराजमान मंडल के साडे बीडीसी मेंबर और नगर परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन रूटीन की बैठक है क्योंकि पहले कुछ दिन पहला 3-4-5 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक एक अभी बैठक पहला मंडल की कर रही थी लेकिन जी रूटीन की बैठक है वो साड़ी एक पहली बैठक है। इस पहली बैठक के बहुत लोग जेडे पहला भी आए थे जज नए तरीके आए हैं उन्होंने सब का धन्यवाद करता कि थोड़े सब के सहयोग के नाल असी ऊना विधानसभा क्षेत्र की जी जिथा मैं थोड़ा धन्यवाद करता उत्थे मैं आदरणीय सतपाल जी को बधाई देना सतपाल जी के रूप दोस्तों मैं पिछली बार भी जिक्र किया था भाई देव साहब जी ने 3 इलेक्शन जीते पंजा के बिचों लेकिन 2 बार 5-5 साल साड़ी सरकार टुटी थी। ऊना विधानसभा क्षेत्र की कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हुई है। इस बैठक के माध्यम से आने वाले समय के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है अनेकों जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं और जिन बातों का कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी विपक्ष में रह करके आज उन्हीं बातों के ऊपर आगे चल करके हजारों करोड़ रुपए के लोन के लिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है और काफ़ी लोन लोगों ने लिया भी है। उसी कड़ी में अनेकों संस्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए गए जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट्स आ रही हैं लोगों के जो सुख सुविधाएं पूर्व भाजपा सरकार ने दी थी उनको बंद कर दिया गया है। उन सब बातों के ऊपर चर्चा करके आने वाले समय में बीजेपी पूरे हिमाचल में एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। जहाँ जहाँ संस्थान बंद हुए वहाँ लोगों की सहभागिता से हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और उन हस्ताक्षर को इकट्ठा करके गवर्नर महोदय को दिया जाएगा ताकि ये संस्थान फिर से बहाल हों। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जब से जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने एक बदला बदली का काम शुरू किया है। राजनीतिक द्वेष से लोगों की ट्रांसफ़र हो रही है और ट्रांसफ़र के माध्यम से एक गोरख धंधा भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। लोगों को पहले डराया धमकाया जा रहा है उसके बाद उनके पास लेन देन करके उनकी ट्रांसफ़र को रोकने की कोशिश भी की जाती है। फिर इन सब बातों को बेनकाब करने के लिए इस कार्य समिति के अंदर चर्चा हुई है। आजकल हिमाचल प्रदेश के सभी मंडलों की मीटिंगें भाजपा की चल रही हैं और आगे जो अभियान चलेगा और उस अभियान के माध्यम से सरकार की गलत बातों को जनता के बीच लेकर के हम लोग जाएंगे।